से महाराणा प्रताप परिवार में उठे रिया था। अच्छा, महाराणा प्रताप ने आप शस्त्र बीजा बनावे देता महाराणा प्रताप आपरे पूर्वज आपरे पूर्वज। अच्छा ठीक है। हां बिनने मो हमारी कार्रवाई कोई हुई नहीं। अच्छा सरकार थोड़ी की बात भी जोने साल मतलब आपरो समाज भी जो आयो होता है। अच्छा आया तो खासा वर्ष थे आएगा। अच्छा जनो सरकार तरफ आपरा गांव आट वोट भी खतरा है गुडेर में वोट तो है बरा 15-20। देते रहते हैं अखबार में भी देते रहते हैं तो हमारी सुनता कोई नहीं है। अच्छा। दे के हम तो फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बाड़मेर जिले के अंदर हमारे 10-15 लोग ही है जो मेरे साथ साथ सहयोग कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और इतना सक्षम भी नहीं है आर्थिक रूप से, दो पैसे चार पैसे कहीं चाहिए तो वो लगा सके। इनके पास ये दिन भर काम करके और शाम को खा। नमस्कार साथियों, अपने देश को आज़ाद हुए कई साल हो गए परंतु ऐसी कई जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं और उनको सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहयोग या प्रोत्साहन कोई भी उनको लाभ वगैरह नहीं मिल रहा है। तो आज हमारे साथ में गाड़ूली अलवार समाज के जिला अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। तो सबसे पहला आपका परिचय क्या है सर? नमस्कार साहब, डूंगर चैनल पर आप हमारी आज हेल्प करने के लिए, हमारी मदद के लिए या हमारे से आप मुलाकात करने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम नारायण नाम सोलंकी गुड़ा मालानी और मैं गाड़ूली अलवार समाज बाड़मेर का जिला अध्यक्ष हूँ और समाज की सेवा का कार्य मैं 15-20 साल से कर रहा हूँ और समाज की जो समस्याएं हैं उस बाबत में संघर्षरत हूँ। उन समस्याओं को मैंने मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाया है, कई बार कलेक्टर वगैरह नेताओं वगैरह SDM वगैरह तहसीलदार सबको मैं बार बार मिलता हूँ और ज्ञापन भी देता हूँ और हमारी समस्याओं पर अभी तक किसी सरकार ने कोई भी अभी ध्यान नहीं दिया है और हम वैसे वैसे अभी परेशान हैं और हम चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है कि हमें भी भारत में रहने का न्याय और हक अधिकार मिले। जिस प्रकार पाकिस्तान से जो नागरिक आए थे भारत उनको नागरिकता मिल गई है लेकिन हमारे को अभी भी नागरिकता का इंतजार है क्योंकि हमारे को अभी हमारे जाति का प्रमाण नहीं मिल रहा है, हमारी पहचान का सर्टिफिकेट हमें नहीं दे रहे हैं, बार बार हमारे को ऑफिसों से बाहर धकेल रहे हैं, हमारे समाज का कोई बंधु जाता है तो उसको तिरस्कृत करके बाहर भेजते हैं कि आप तो गाड़ूली अलवार हो ही नहीं, आप तो लोअर हो, आप तो लाभ के खातिर बन रहे हो और तब हमारे को ऐसी बात करते हैं, बहुत बड़ा दुख होता है। फिर हम क्या करें, उनसे झगड़ा करने के मन में आती है मगर करें तो करें क्या, क्योंकि वो हमारे ऐसा तिरस्कार करते हैं कि आप चले जाओ, आप तो हो नहीं, आप लाभ के लिए बन रहे हो। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अपन किसी अपन जिस जाति से हैं उस जाति पर अपने को गर्व है और हमें अपने भारत भूमि पर जन्म लिया है तो गर्व है और जब ये ऐसे तिरस्कार करते हैं तो दुख होता है कि हम कैसे दूसरे के मतलब मूत्र में या दूसरे के जाति में आप जाने का कह सकते हैं। आपका जो गाड़ूलिया लोहार समाज है कामकाज वगैरह क्या रहता है, उनका परिचय क्या है? हमारे गाड़ूलिया लोहार समाज ये लगभग आज से 550 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप के समय से ये जाति मतलब महाराणा प्रताप के साथ निकली थी। जब चित्तौड़ पर 550 वर्ष पूर्व जब मुगलों ने आक्रमण किया था उस समय महाराणा प्रताप ने भी चित्तौड़ को त्याग दिया तो वहां पर जो ये पहले लोहार थे तो इन्होंने भी वहां पर ये चित्तौड़ को छोड़ दिया और महाराणा प्रताप के साथ अपना बैलगाड़ियों पे सामान भर के रवाना हो गए और फिर वो जंगल जंगल गांव गांव घूमते रहे और वो मुगलों से लड़ने के लिए महाराणा प्रताप को सेना के लिए हथियार उपलब्ध कराते थे लोहे के बना करके और जब से ये बैलगाड़ियों लेकर के गांव गांव घूमने लगे, दर दर की ठोकरें खाने लगे, तब से ये गाड़ी अलवार कहलाने लगे, बाकी अन्यथा पहले ये लोहार ही थे। आपके बाड़मेर जिले के अंदर आपके गाड़ूली अलवार समाज की कितनी जनसंख्या है, कितने लोग यहाँ पर आपके लोग रहते हैं, राजस्थान में कुल कितने लोग हैं आप? बिल्कुल साहब, मैं बाड़मेर जिला अध्यक्ष होने के बाद ये इतनी जानकारी रखता हूँ कि बाड़मेर में हमारे गाड़ूली अलवार समाज के बिल्कुल लगभग 4,000 परिवार हैं। ठीक है ना,
4000 परिवार हैं और अपने गुड़ामालानी तहसील लिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी 700 परिवार हैं गुड़ामालानी विधानसभा में। बिल्कुल ठीक है ना। और मैं 20 साल से ये काम देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि कौन से गांव में किस तहसील में किस विधानसभा में कितने घर रहते हैं और कौन से हमारे समुदाय के लोग हैं। हम आपस में पारिवारिक रिश्ते में सगे संबंधी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो मुझे सब पता है कि हमारे बाड़मेर जिले में कहाँ कहाँ गाड़ोली अलवार बैठे हैं और उनकी समस्या क्या है और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। मैं सब उनके बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ। बिल्कुल, अभी तो कई समाज प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, परंतु आपकी जो आप बोल रहे हो कि हमें अधिकार नहीं मिला अभी तक, हमें मतलब कोई भी हमारे कोई काम काज नहीं होता है, तो आखिर में ऐसा क्यों आपके साथ ये मतलब क्यों हो? तो बिल्कुल साहब, सब समाज हैं, अन्य समाज है वो आगे बढ़ रही है, अन्य समाज देखे तो बहुत मतलब कई समाज हैं जो शिक्षित है, सक्षम है, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, वो तकनीकी दृष्टि से सभी सक्षम है, तो वो पढ़ लिख करके अच्छे पदों पर भी गए हैं, नौकरियों प्राप्त की है, राजनीति में भी उनका अच्छा वर्चस्व है। लेकिन हमारे कुछ छुटकर जातियां हैं जैसे जोगी, ग्वारिया, सांसी, भील, नट, गाड़िया, लोहार, गरग, वादी, बंजारा, इस तरह के ये छुटकर जो जातियां हैं इनकी पैरवी करने को कोई नेता, अधिकारी, कर्मचारी कोई भी तैयार नहीं है और ये सदियों से पीड़ित और परेशान है। ये बेचारे क्या है, कागजात बनवाने के लिए ऑफिसों में चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल, और इनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है क्योंकि ये गरीब होते हैं, इनके पास न तो खाने के पैसे हैं न देने के पैसे हैं और बिना आज सेवा चाकरी के वो आजकल तो भ्रष्टाचार का जमाना है, लोग काम भी नहीं करते इन गरीबों का। बिल्कुल ठीक है ना, वो तो देखते हैं कुछ अच्छा जो मलाई वाला कोई आता है कस्टमर जैसे उनका काम करते हैं, तो इनकी आर्थिक स्थिति आज भी देश आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष मना रहा है उसके अंतर भी ये अंतर्गत भी ये जातियां बहुत ही पिछड़ी हुई है क्योंकि आज तक किसी भी सरकारों ने कई आई, कांग्रेस बीजेपी सरकारें आती गई चली गई लेकिन उन्होंने कभी भी इन जातियों पर ध्यान नहीं दिया तो ये वंचित ही वंचित रही। सरकार ने कोई कल्याणकारी योजना बनाई है तो भी उनको कोई अमीर वर्गों ने या इन योजनाओं को इन लोगों तक गरीब लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। अच्छा, और आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? सरकारी योजनाओं समाज का विकास बोर्ड वगैरह है? विकास बोर्ड तो बनाया था पिछली बार सरकार ने बनाया था तो वो तो केवल नाम मात्र की घोषणा थी और घोषणा करके वो चले गए, कोई विकास बोर्ड बना नहीं है और उसके अंदर कहते कि इतने वो 7-8 सदस्य भी लेंगे, चेयरमैन भी बनाएंगे, मगर हमारी वो भावना धूमिल हो गई और कोई चेयरमैन बनाया नहीं, कोई सदस्य लिया नहीं, वो केवल एक छोटी घोषणा मात्र थी। तो हम सरकार से ये भी चाहते हैं कि हमारे समाज का भी गाड़ी अलवार कल्याण बोर्ड हो और उसके अंदर हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व दे और हमारे समाज की समस्याओं को जाने आगे रखें विधानसभा में, कोई हमारे समाज के लिए ऐसा कोई नियम कानून पारित हो तो हमारे समाज को उचित लाभ मिल सके और समाज है वो देश की मुख्य धारा में जुड़ सके और अपना जीवन योग्य बना सके। अच्छा, अपने बाड़मेर क्षेत्र के आपके यहाँ पर कोई छात्रावास या हॉस्टल या जमीन आपको कुछ अलॉटमेंट है? हाँ बिल्कुल, हमारे बाड़मेर जिले में गाड़ूली अलवार समाज का कोई हॉस्टल नहीं है और केवल बाड़मेर जिले में एक कॉलोनी कटी हुई है नेहरू नगर के अंदर, जहाँ पर वो कॉलोनी नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के उस समय वो कॉलोनी कटी थी, उसके अंदर गाड़ोली अलवार बस्ती आज भी है, वो हमारे सगे संबंधी है, मित्र हैं और हमारे रिश्ते नाते से सब जुड़े हुए हैं, हम उनको एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित है, हम साथ में उठते बैठते हैं, हमारा रहन सहन खान पान सब पूरा राजस्थान के अंदर एक जैसा है, रीति रिवाज बोली भाषा सभी एक जैसे पूरे राजस्थान के अंदर। तो हमारे बाड़मेर जिले के अंदर बाड़मेर में एक तो नेहरू नगर में बसे हुए हैं और उसके बाद जसोल के अंदर है, बालोतरा के पास जो जसोल है वहाँ पर भी कॉलोनी काट के इनको बसाया था उसी समय नेहरू जी के समय, और उसके अलावा सिवाना में भी कॉलोनी काट के गाड़ूली अलवारों को बसाया गया है। तो इस प्रकार ये 2-3 जगह जहाँ पर इनको प्लॉट दे करके बसाया था सरकार ने, नेहरू जी ने चित्तौड़ किले पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवाया था
1956 में जब देश आजाद हो गया था, 1947 में, तो 1956 में ये कार्यक्रम रखा था चित्तौड़ किले पर, और गाड़ोली अलवारों को बुला करके वहाँ पर इकट्ठा करके इकट्ठा किया था और उनको समझाया कि अब आपका देश आज़ाद हो चुका है, स्वतंत्र हो गया है, आपका चित्तौड़ किला भी आज़ाद हो चुका है और आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो और आप अभी घूमना फिरना बंद करो और स्थायी रहना शुरू करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इस प्रकार उन्होंने योजना बनाई थी। तो गाड़ोली अलवारों को वहाँ पर वो उनका पूरा करवाया था, ठीक है ना, कि अभी आप घूमना बंद करो, आपकी प्रतिज्ञा है वो हम पूरी करवाते हैं। तो चित्तौड़ किले पर गाड़ोली अलवार के हाथ से वहां पर किले के ऊपर केसरिया ध्वज फहराया था, तो वो हमारे बुजुर्ग थे और उनके आज फोटो वगैरह चित्र उसकी बारे में पूरी हिस्ट्री पूरी कहानी लेख वगैरह, उस समय कार्यक्रम में कितने लोग आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे, कितना आय व्यय ब्यौरा हुआ था, कौन कौन मुख्यमंत्री आए थे, कौन कौन मंत्री आए थे, वो सब सारी जानकारी मेरे पास पुस्तक पड़ी है गाड़ोली अलवार इतिहास से संबंधित, उसके अंदर सारा डाटा है मेरे पास। तो वो हमारे समाज बंधुओं को प्रतिज्ञा वहाँ पूरी करवा दी। उसके बाद में सरकार ने हमारे समाज के लोगों को बचाने के लिए महाराणा प्रताप आवास बस्ती ऐसी योजना चलाई थी कि भाई इन गाड़ोली अलवारों को रहने के लिए प्लॉट दिया जाए, मकान दिया जाए और उनको मकान बनाने के लिए राशि भी देते थे। तो इस तरह की योजना बनाई पर वो योजना इतनी फलीभूत नहीं हुई है, लोगों को उसका पूरा फायदा नहीं मिला, ठेठ लोगों तक पहुँचने नहीं दिया और लोग आज भी कई लोग हैं जो अभी तक घूम रहे हैं लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, केवल खाना पूर्ति करके और कागज कार्रवाई पूरी करके भेज देते हैं। अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं तहसीलदार पटवारी वगैरह, ये इनके ऊपर जब सर्वे की रिपोर्ट आती है ऊपर से आती है तो ये क्या है वो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर देख करके लोहार लोहार लिख करके भेज देते हैं कि यहाँ गाड़ोली अलवार नहीं है। इस तरह से जो ये वास्तविक गाड़ोली अलवार प्रत्येक गांव में बैठे हैं, हर गांव में बैठे हैं, बाड़मेर जिले में हजारों परिवार हैं जो इन अधिकारियों की वजह से, इनकी मनमानी की वजह से वंचित है, तो इनको कोई किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो सरकार से आपकी क्या बात रहेगी, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपका समाज का आप नेतृत्व करते हैं, आपका क्या निवेदन रहेगा, क्या विनती रहेगी आपकी सरकार से? हम तो निवेदन कर करके थक चुके हैं, सरकार से एक बार नहीं हजारों बार निवेदन कर चुके हैं और ज्ञापन भी दिए हैं, देते रहते हैं, अखबार में भी देते रहते हैं, तो हमारी सुनता कोई नहीं है। दे दे के हम तो फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बाड़मेर जिले के अंदर हमारे 10-15 लोग ही है जो मेरे साथ साथ सहयोग कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और इतना सक्षम भी नहीं है आर्थिक रूप से, जो 2 पैसे 4 पैसे कहीं चाहिए तो वो लगा सके। इनके पास ये दिन भर काम करके और शाम को खाने वाले हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को पैसा खाते हैं, इतनी मजदूरी होती है और कहीं जाना है, कहीं मीटिंग में जाना है, कोई ज्ञापन देने जाना, तो किराए भाड़े की भी इनके पास नौबत रहती है। तो इस प्रकार ये समाज है वो अपनी मांग है वो, या कानूनी लड़ाई है वो लंबी लड़ाई लड़ नहीं सकता है और अंतिम में हार बैठ के निराश होकर के बैठ जाता है। और बाड़मेर जिले के अंदर ऐसे मेरे साथ देने वाले हमारे 15-20 लोग हैं, हमारी कमेटी बनी हुई है और उसके अंदर हमारे जो भी मंत्री है या कोषाध्यक्ष है उपाध्यक्ष है वो सभी बनाए हुए हैं। तो उसमें हमारे मंत्री है फोटाराम जी जो चौटन से हैं और उपाध्यक्ष है, दो बना रखे हैं, एक तो शिव से चौताराम जी है और एक चित्र से मांगीलाल जी है और कोषाध्यक्ष है हमने बना रखा है मांगीलाल जी को और सचिव है हमारे मालाराम जी हैं। तो इस तरह से हमारे ये जो सदस्य हैं हमारा मेरा सहयोग करते हैं और मैं भी आगे बढ़ करके काम करता हूँ, ये बात है सर। बिल्कुल, इनकी जो गाड़ोली अलवार समाज की एक मुख्य मांग है और ये भी कह रहे हैं कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, हम भी इस देश के ¿Qué
नमस्कार साथियों, आज मैं गाडोलिया लोहार समाज रा लोग है उनर पाड़ आयो हूँ। रणौरी कोई बात है, देखो अबार आप देखता बोला एक काम काज है, एक करिया है और अनोरो पूरो परिचय वगैरह जानूला। और अबार देखो अनोरो काम काज है, बहुत ही तपस्या वालो काम काज है। आप रो कौन हमेशा गुमनाराम? गुमनाराम जी, आप रो कयो गाँव है? बारासन। अच्छा, बारासन। आप अटे गुड़ार में कितने साल हुआ काम काज करो? 4-5 साल। अच्छा, आप रे समाज रे मतलब समाज रे मैं सरकार तरफ हूँ कि कर कोई फायदो वगैरह मिले है कि कर आपने? हाल तक तो कहीं फायदो कोई नहीं, मजदूरी कराऊँ दाल रोटिया कमाऊँ काम आए। अच्छा, आप रे की कर टाबर स्कूल बीजा जाति प्रमाण पत्र बीजा बने की कर? जाति प्रमाण पत्र गाडू लिया लोहार बने रुको नहीं। अच्छा, गाडू लिया कोई नहीं हो? हाँ, जरा थे कौन सा हो भाई मारो गाडू लिया लोहार बनो सी गाडू लिया लोहार कटे काम करता देखे तो आवे तो पूछे के लिखे तो आप रहे लोहार है। हाँ, बाकी कोई गाडू लिया लोहार कोई लिखता नहीं। अच्छा, जरा थे मतलब गाडू लिया समाज मतलब थोड़ो मतलब नाम बहनों सी। हाँ, अच्छा, सरकार तरफ थोड़ा मतलब फायदो वगैरह को मिले कोई नहीं? फायदो दीदो की नहीं। अच्छा, कितना साल हुआ थी मतलब काम काज वगैरह करो थोड़ा कोई समाज परिचय कम है? जन्म वही धंधो है बीजो करो कि अटे 45 साल हुआ तो 30 साल हुआ काम धंधो करता नहीं। अच्छा अच्छा, आप वही धंधो है? वही धंधो है। अच्छा, तो आप रे गवर्नमेंट तरफ कोई छात्रावास बीजो या आप समाज रो कोई है कोई नहीं टाबर पढ़वा? नहीं, सरकार फायदे नहीं कोई छात्रावास नहीं है, नहीं कोई पढ़े लिखे नहीं है, सब अनपढ़ है। अच्छा, समाज में कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं है? पढ़े लिखे है नहीं, होम उदर जना है। होम उदर जना है? हाँ, बढ़िया बढ़िया। चलो मैं ठीक हूँ सब भाई, थोड़ो मतलब समाज रो विकास होना चाहिए। समाज रो विकास होना चाहिए कि भाई अपनी जाति में कभी भी कागज में लिखना चाहिए कि भाई कागज जल्द आ रहेगा ना धंधो करो कोई भी छात्रावास हो कोई भी समाज रो कल्याण वैसे उन बढ़िया रहे। अच्छा, तो इतना दिन हुआ थी नींद रे मौकी कर रहा था भाई, मैं थोड़ा की कर मन में आयो कि भाई हम बोलो विकास भी जो मैं इतना दिन की कर रहा हूँ समझ में की कर रही हम दोनों हम दोनों बरूबर है मन गए मात में तो पूछे उठे के थोड़े के लोहार होनी गाड़ू लिए लोहार कौन ले? अच्छा, हमें थोड़ा थोड़ा आँख खुली देने के आंकड़े वोट अकल आवे के भाई मैं गाड़ू लिए लोहार लिखाऊँ तो सही बट गया अकल आवे आई जे। हाँ, इन वास्ते के भाई आंकड़े उठे अकल आवे के भाई गाड़ू लिए लोहार वैसे ही। अच्छा अच्छा, बिल्कुल आप रो मतलब समाज रो मतलब हकीकत परिचय आए सर? बिल्कुल साहब, ये गाडू लेलवारी है और बारासन गांव से ये डेली बसों में या टैक्सियों में चढ़ करके यहाँ काम धंधे के लिए आते हैं गुड़ा में। अच्छा, वहाँ गांव में काम धंधा नहीं है तो यहाँ पर आते हैं, ये रोड पे बैठे हैं देख सकते हैं, ये रोड है, रोड के किनारे बैठे हैं और दिन भर यहाँ काम करते हैं। जो भी इनको 200 से 800-500 रुपये मजदूरी मिलती है वो लेकर के जाते हैं घर पे शाम को और अपने बच्चों को पालते हैं, वापस दूसरे दिन सुबह आते हैं। ऐसे ये दिन भर कमा कर शाम को खाने वाली जाती है। इनके पास इनकी आर्थिक स्थिति हालात बहुत खराब है, रहने के लिए कच्चे घर है, प्लॉट वगैरह भी एक छोटा सा कोई गांव में मिल गया तो बैठ गए और इनके दादा पुरुष वगैरह सब पहले घूमते थे। अच्छा, मतलब अकेले एक लोग समस्या नहीं पूरी? ये पूरे समाज की समस्या है, ये अकेले की नहीं है। और मैं पूरे बाड़मेर जिले के अंदर जो भी गाडू लेलवा रहे हैं उनसे सबसे परिचित हूँ और उनकी सबकी यही हालत है। ऐसे रोड के किनारे पर ये बैठे हैं और दिन भर काम करते हैं, ये लोहे का काम करते हैं, देखो ये कुल्हाड़ी बना रहे हैं, कोई भी घरेलू जो सामान है खेती के औजार है ये बनाते हैं और बहुत ही हार्ड मेहनत का काम है, बहुत खून पसीने ये करके ये मेहनत करते हैं। बिल्कुल इनको मेहनत का पैसा मिलता है, मैं और जो आजकल मेहनत कर रहा है और मेहनत कर इतनी हार्ड तोड़ मेहनत कर रहा है फिर भी इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इनका माल मटेरियल बेचने के लिए कोई बाजार नहीं है, बाजार में कोई ऐसा इनकी सुविधा नहीं है या फिर इनको कोई ऐसी लोन की व्यवस्था नहीं है जिससे ये अपने रोजगार को या धंधे को आगे बढ़ा सके और आगे सामान को बेच सके, इसलिए ये पिछड़ता हुआ जा रहा है समाज और कोई भी सरकार इनकी ये पैरवी नहीं कर रही है। बिल्कुल देखिए, ये समाज की तस्वीर है, गाडोलिया लोहार की समाज की तस्वीर है और वास्तव में ये जो समाज एक देखिए हमेशा एक भट्टी के आगे तप से ताप रहा है। तो सरकार से मेरी अपील है कि आप इस समाज के लिए कुछ विकास के लिए आप आगे आइए और ये भी एक समाज साथी है कि हमारा विकास हो, हमारा कल्याण हो। इतने दिन हम जागृत नहीं हुए पर अभी हमारी कुछ देखिए गाडोलिया लोहार समाज के लोग हैं जो सड़कों पर इस तरीके से यहाँ पर देखिए कामकाज करते हैं और देखिए इनका संघर्ष, देखिए वास्तव में इनका संघर्ष है देखने वाला है और जो हकीकत में इस अपने देश के अंदर या अपने लोगों के अंदर देखिए जो संघर्ष करने वाली चीज़ हैं वास्तव में देखिए आप इस तरीके के जो संघर्ष कर रहे हैं और मतलब लोहे को कैसे पिघलाया जा रहा है बहुत ही अनोखी तस्वीर है। और गाडोलिया लोहार समाज इनकी मुख्य मांग है कि हमें हमारा कुछ अधिकार हमें मिलना चाहिए, हम लोग इस देश के अंदर रहते हैं तो हमें अधिकार मिलना चाहिए। तो इनसे हम बातचीत करते हैं, बूढ़े बाबा जी यहाँ पर बैठे हैं तो उनसे मैं थोड़ी बातचीत जानने का। राम राम। कौन नाम है आप रो? आशु नाम है। आशु आशु राम जी, कितना साल हुआ गुड़ेर में काम करो आप?
25-30 साल हो गए। 25-30 साल हुआ करो सरकार तरफ कोई आपने योजना लाभ भी जो मिले है की कर कहीं को मिले थे कहीं को मिले नहीं ना आजा चलो सरकार ने कौन कहना साहू के थोड़ो अधिकार भी जो की कर कहे गाडू लिया लोहार समाज थोड़ो मतलब नाम निशान है कोई सरकार में करो अबे हो गया मैं 30 साल हो गई 30 साल 35 साल हो गई 35 वाली उम्र है। अच्छा जना आपरे कोई हॉस्टल भी जा आपरे टाबर भी जा पड़े है सरकार में टाबर पड़े है कोई सोरियान भी जी हां और मारे तो छोटा ही है लड़का तो थोरोडे गुडेर मो या बाड़मेर थोरो कोई समाज रो हॉस्टल भी जो है कोई नहीं है कोई नहीं हो कोई नहीं है। अच्छा जरा मैं थोरो की करो थे सरकार ने कौन कहनी सो सरकार में तो मैं बाहर जा है मैं हो बे हाल ही है घरे आगे सरकार मोने कोई नहीं कहते झूठा थे तो कह झूठा गुड़ा मालानी के गाडोलिया समाज के जितने भी लोग हैं हम उनसे बातचीत करते हैं और वास्तव में उनकी हकीकत समस्या क्या है हम उनके साथ में जाकर उनकी बातों को लेकर हम उनके साथ में उनकी बातों को समझेंगे। और इनके समाज के जिला अध्यक्ष हैं वो भी लगातार इन जो समाज के लेकर इनकी समस्या हमारे साथ अवगत करा रहे हैं और गुड़ा मालानी के अंदर यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी समस्या। राम राम बाबा जी। राम राम बा राम 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 राम। आप कौन नाम है? मार नाम काड़ू है मैं बालीकाड़ लो निवासी लवार गाडुलिया सिसोदिया सीतोड़ रहने वाला सगारी साल में मैं ऐसे आया था पाकिस्तान से पाकिस्तान में गया पर मैं सीतोड़ सीतोड़ काफी साल रहा पछे महाराणा प्रताप परिवार में मैं उठे रहा था। अच्छा महाराणा प्रताप ने आप शस्त्र बीजा बनावे देता महाराणा प्रताप आपरे पूर्वज आपरे पूर्वज। अच्छा ठीक है बिन्ने मो हमारी कार्रवाई कोई हुई नहीं। अच्छा सरकार थोड़ी कोई बात भी होने कोई नहीं बात सकी कोई हुई नहीं बिन्ने बहादुर में क्या बात बनी के भाई अपना अकबर बास था अकबर बास थारी बात में कोई लड़ाई थी लड़ाई हुआ रहा बाद में मैं वो तो महाराणा प्रताप परिवार में निकल गया। अच्छा निकले रहे आप तो गाड़ा लेर बहुत घूमता गाँव में फिरता गाँव में फिरता ठीक है उनने बाद रे मैं कोई मेट आया बार गमड़िया गाँव में तो पेट रे वास्ते घूमता रहता तो कभी मजदूरी होती कभी मजदूरी नहीं हो सकती कभी 100 रुपया की बनती कभी 50 की बनती कभी 200 की बनती ऐसा धंधा कर रहा था। अभी इन्हें बाद रे मो आज कितना काफी साल हुआ पौधा सगारी साल में यहाँ में गांव बालीकाट बस आया हुआ था तो उनमें बाद में घूमते रहते थे ठीक है 12 साल रे मैं तो मैं आया था 12 साल में गांव बालीकाट बस आया ठीक है उन्हें मो को मजदूरी करता तो कभी मजदूरी होती कभी मजदूरी नहीं होती बताऊँगा पालन पोषण थोड़ी मोड़ ले। अच्छा तो अबार सरकार भी जी थोड़े की कर कोई अबार सरकार कोई सुनाई करे नहीं सा। अच्छा कोई आप काम काज भी जो नहीं कोई काम काज नहीं है कोई प्लॉटरी व्यवस्था नहीं कोई खाना पीने की व्यवस्था नहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं कोई टोंका वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा आपने आवाज ओख में आंसू की कराया है तो क्या कर रहा हूँ मैं अच्छा बहुत दुख हो रहा है बहुत दुखी हो रहा हूँ। अच्छा आप ये देश का नागरिक हो आपने अधिकार नहीं हाँ अधिकारी कोई सुनवाई करता नहीं हाँ बिल्कुल ये स्वतंत्र सेनानी और महाराणा प्रताप रहते आप युद्ध वगैरह भी लड़े हो बिल्कुल तो अब सरकार भी जो आप मतलब कोई सुनवाई करता ही नहीं है। अच्छा आप जाति प्रमाण पत्र भी जो भी जाति प्रमाण पत्र है नहीं जो कोई बनाओ तो कहते कोई हॉस्टल भी जो कहीं भी आप नहीं सा नहीं कोई को नहीं दिन रे आवर मजदूरी बीजी कितनी वे मजदूरी कभी 100 रुपया बने कभी 50 रुपया बने और कभी बने ही नहीं सा। अच्छा
सही है वास्तव में मैं आज अपरो देश इतरो आजाद हो गयो है पण एक समाज अब देखो आंखों में आंसू बह रही है और कह रही है कि भाई मने भी समाज देश रे मोए रहने रो अधिकार होनो सी जे मने भी गाडोलिया समाज रो कोई भी मरो मूलभूत सुविधा रो जाति प्रणाम पत्र वगैरह कोई भी मोने मतलब अधिकार नहीं मिलो है तो ये लोगों री आपरी बात है भले आपरी कोई बात है और सरकार भी है कोई सरकार यो आपने लाभ मिले लाभ मिलता है सरकार तो सरकार मां बाप है कोशिश करते कर रहे था तो लवा समाज है और नारना रामी हमारे साथ में चलता है आप रे नाना राम जी आप अच्छो सहयोग करे आप समाज रे आप रे अध्यक्ष है धन्यवाद है सर बहुत बहुत बिल्कुल ठीक है सर।